जय श्री कृष्णा। अखंड ज्ञान ज्योति परिवार में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा स्नान का क्या महत्व है, इसके पीछे की पौराणिक कथा क्या है और इस दिन हमें क्या करना चाहिए, इस दिन की विशेष पूजा विधि क्या है। आज हम आपको ये सब जानकारी देने वाले हैं। देखिए, कार्तिक पूर्णिमासी, जिसको कि हम देव दीपावली के नाम से भी जानते हैं, हिंदू धर्म में इस दिन का बहुत अधिक खास महत्व है। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर लोग जो हैं गंगा स्नान और दान पुण्य जैसे काफ़ी कार्य करते हैं। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को ही कार्तिक पूर्णिमा कहा जाता है। और कार्तिक पूर्णिमा जो है इस दिन, इसको हम त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहते हैं, गंगा स्नान भी बोलते हैं और इस दिन जो है दान पुण्य करने का बहुत अधिक महत्व है। मान्यताओं के मुताबिक इस दिन गंगा स्नान करने से पूरे साल गंगा स्नान करने का हमें फल प्राप्त हो जाता है। इस दिन गंगा सहित पवित्र नदियों और तीर्थों में स्नान करने से भी विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है और हमें और हमारे पापों का नाश भी होता है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन यदि आप गंगा स्नान कर रहे हैं, दीप दान कर रहे हैं, अन्य दान भी आप कर रहे हैं, तो इस दिन एक दान भी और है जिसको कि हम क्या कहते हैं कि क्षीर सागर दान, इसका भी बहुत अधिक महत्व है। देखिए ये क्या होता है, क्षीर सागर का दान 24 अंगुल के बर्तन में, यानी कि 24 उंगलियों के बर्तन में दूध भर लें और उसमें स्वर्ण या रजत, यानी कि सोने या चांदी की कोई भी एक मछली आप छोड़ सकते हैं छोटी सी। कार्तिक पूर्णिमा के दिन दिवाली की तरह शाम के वक्त, यानी कि शाम के समय आप दीपक जलाएं, प्रज्वलित करें, इस दिन को दीपावली भी मना सकते हैं। कार्तिक पूर्णिमा का महत्व न केवल वैष्णव भक्तों के लिए बल्कि शिव भक्त और सिख धर्म के लोगों के लिए भी बहुत अधिक इसका मायने माने जाते हैं। विष्णु के भक्तों के लिए भी यह दिन बहुत अधिक खास माना जाता है, क्योंकि भगवान विष्णु का पहला मत्स्य अवतार भी इस दिन हुआ था। सिख धर्म में कार्तिक पूर्णिमा को प्रकाशोत्सव, यानी कि प्रकाशोत्सव के रूप में मनाया जाता है। दरअसल इसी दिन सिख संप्रदाय के संस्थापक प्रथम गुरु नानक देव का भी जन्म हुआ था। इस दिन सिख संप्रदाय के अनुयायी सुबह स्नान करके गुरुद्वारों में जाकर गुरुवाणी सुनते हैं और नानक जी के बताए रास्तों पर चलने के लिए वो सौगंध लेते हैं, इसलिए इसको गुरुपर्व कहते हैं। इस संदर्भ में देखिए, अगर भगवान शिव के संदर्भ में हम बात करें तो इसमें कथा ये मिलती है कि त्रिपुरासुर नाम के दैत्य के आतंक से तीनों लोग भयभीत थे। त्रिपुरासुर ने स्वर्ग लोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। त्रिपुरासुर ने प्रयाग में काफ़ी दिनों तक तप किया और उसके तप से तीनों लोग जलने लगे। तब ब्रह्मा जी ने उसको दर्शन दिया और त्रिपुरासुर ने उनसे वरदान मांगा कि उसे देवता, स्त्री, पुरुष, जीव, जंतु, पक्षी, निशाचर ना मार पाएं। इसी वरदान से त्रिपुरासुर अमर हो गया और देवताओं पर अत्याचार करने लगा। सभी देवताओं ने मिलकर ब्रह्मा जी से इस दैत्य के अंत का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं को त्रिपुरासुर के अंत का रास्ता बताया। तब देवता भगवान शंकर के पास पहुंचे और उनसे त्रिपुरासुर को मारने के लिए प्रार्थना की। तब महादेव ने त्रिपुरासुर के वध का निर्णय लिया। महादेव ने तीनों लोकों में दैत्य को ढूंढा और कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल में अर्धनारीश्वर के रूप में त्रिपुरासुर का वध किया था और उसी दिन देवताओं ने शिवलोक यानी कि काशी में आकर भी दीपावली मनाई थी। भगवान विष्णु ने भी पहला अवतार लिया था। उन्होंने पहला अवतार जो लिया था वो मत्स्य अवतार अर्थात मीन मछली का रूप धारण करके लिया था। भगवान का यह अवतार वेदों की रक्षा के लिए प्रलय के अंत तक सप्त ऋषियों अनाजों एवं राजा सत्यव्रत की रक्षा के लिए इनको लेना पड़ा था। इसी से सृष्टि का निर्माण कार्य फिर से आसान हो गया था। इसी के साथ साथ एक मान्यता यह भी है कि कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुलसी का, मैं कि माता तुलसी का भगवान विष्णु के शालिग्राम रूप के साथ विवाह हुआ था और पूर्णिमा तिथि के दिन तुलसी जी जो है वो बैकुंठ धाम में आगमन उनका हुआ था, वह वहाँ पहुँची थी। इसलिए कार्तिक पूर्णिमा के दिन तुलसी पूजा का बहुत अधिक महत्व है। इसी दिन मानव जगत के कल्याण के लिए तुलसी माता का पृथ्वी पर आगमन हुआ। इस दिन नारायण को तुलसी अर्पित करने से अन्य दिनों की अपेक्षा अधिक पुण्यदायी फल प्राप्त होता है। आइए अब जानते हैं गंगा स्नान का महत्व। कार्तिक पूर्णिमा की स्नान के संबंध में ऋषि अंगिरा ने लिखा है कि इस दिन सबसे पहले आप में हाथ पैर धो लेना चाहिए, फिर आचमन करके हाथ में कुशा लेकर स्नान करें। यदि स्नान में कुश और दान करते समय हाथ में जल व जप करते समय संज्ञा का संकल्प ना करें तो कर्म फलों से संपूर्ण पुण्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। दान देते समय जातक हाथ में जल लेकर ही दान करना चाहिए। इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का महत्व है। अगर संभव ना हो तो आप अपने नहाने के जल में, यानी कि नहाने वाले पानी में आप थोड़ा सा गंगा जल मिला लीजिए और इस दिन आपको सत्यनारायण की कथा पढ़ने का चाहिए, क्योंकि इसका बहुत अधिक महत्व होता है और संभव हो तो घर में सत्यनारायण कथा भी करवा लेनी चाहिए।
कार्तिक पूर्णिमा के दिन शाम को भगवान विष्णु और माँ देवी लक्ष्मी की पूजा अवश्य करें। किसी भी जरूरतमंद को भोजन करा दें, यथाशक्ति दान कर दें। इस दिन तुलसी माता के सामने दीपक जरूर जलाना चाहिए। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गरीबों को चावल दान करने से चंद्र ग्रह बहुत सुफल प्रदान करते हैं। यदि हम शिवलिंग पर कच्चा दूध, शहद व गंगाजल मिलाकर चढ़ाएं तो भगवान शिव अपनी संपूर्ण कृपा प्राप्त करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को घर के मुख्य द्वार पर हमें आम के पत्तों से बनाया हुआ तोरण यानी कि बंदरवार अवश्य लगा लेनी चाहिए। स्नान के बाद दीपदान, पूजा और आरती और दान जरूर करना चाहिए। और शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए हमें ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप अवश्य करना चाहिए। हनुमान जी के सामने घी का दीपक जलाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इसके अलावा संभव है तो गंगा के तट पर स्नान कर दीप जलाकर देवताओं से मनोकामना पूर्ति का आशीर्वाद मांग लें। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा करें, देवी लक्ष्मी सदा के लिए प्रसन्न हो जाएंगी। इसीलिए इस दिन श्री हरि का पूजन करना बिल्कुल भी हमें नहीं भूलना चाहिए। तो देखिए, ये थी गंगा स्नान के दिन की महत्वपूर्ण कथा और पूजा विधि। महत्व आशा है कि आप इसको मानेंगे और अपने इन उपायों को भी अपने घर पर करेंगे। जय श्री कृष्णा।